हेलो माय ब्यूटीफुल सोशल मीडिया फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे, हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे रोल। इसके लिए सबसे पहले हम फिलिंग्स तैयार कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और अब यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून मक्खन डालेंगे। आप चाहे तो ऑयल से ही बना सकते हैं, चाहे तो मक्खन भी। मक्खन में इस ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि मक्खन जले ना। इसको मेल्ट होने देंगे। ये मेल्ट हो गया। यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। ये डालेंगे और इसका कच्चापन दूर करेंगे। 1-2 मिनट के लिए सौते करेंगे। इसका कच्चापन दूर हो गया। अब यहाँ पे हम डालेंगे ये कीमा, 500 ग्राम कीमा, चिकन कीमा है। इसको धो के अच्छी तरह से इसका पानी ड्रेन कर लिया है, तो ये हम डालेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे 2-3 मिनट। ये भून गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स कर लिया। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे। चिकन का पानी भी इसी में छूट जाएगा। ये 3 मिनट हो गए। अब इसमें हम 500 ग्राम बंद गोभी ऐसे बारीक चॉप कर लिए, ये ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दो मीडियम साइज की शिमला मिर्च बारीक चॉप करके हमने फ्रीजर में रख दिया था, ये फ्रोजन डालेंगे और ये इसी में मिक्स करते रहेंगे तो ये डिजॉल्व हो जाएगा। ये मिलाते हुए 3 मिनट हो गए। अब इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पे 4 स्प्रिंग ऑनियन थी, ये हम फाइन चॉप कर लिया था, ये ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। और दो टेबल स्पून चिली सॉस,
दो टेबल स्पून सोया सॉस, सोया सॉस में नमक होता है इसीलिए नमक हमने एक टेबल स्पून डाला है। इसको मिक्स करेंगे और पानी थोड़ा सा है तो उसको खुशक कर लेंगे, ये सुखा लेंगे पानी। ये हमने पानी खुशक कर दिया। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे दो टेबल स्पून सिरका। सिरका डाल के ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ मिक्स करेंगे। ये मिक्स कर लिया, अब चूल्हे को बंद करते हैं और इसको निकाल के इसमें ठंडा कर लेते हैं। मिलते हैं ठंडा करने के बाद। यहाँ पे हमने ठंडा कर लिया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया फाइन चॉप कर लिया है और दो हरी मिर्च, ये बड़ी वाली जो होती हैं वो तीखी नहीं होती, दो हरी मिर्च ये हम ऐड करेंगे। और इसको मिक्स करेंगे। इसको एक साइड पे रखेंगे। यहाँ पे हमने दो टेबल स्पून मैदा और दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मिला के थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको सिलेरी बना ली थी, तो ये हम साइड पे रखेंगे। और यहाँ पे हमने तीन अंडे लिए थे और इसमें थोड़ा सा दूध डाला था चार टेबल स्पून और इसको फेंट लिया एक पिंच नमक डाल के, तो ये हम साइड पे रखेंगे। यहाँ पे हमने रोल पट्टी ली है, सबसे पहले इसमें फिलिंग भरेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, हमारे घर वालों को मोज़रेला चीज़ पसंद और चीज़ वाला पसंद है इसीलिए हम चीज़ डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो बग़ैर चीज़ के भी बना सकते हैं या आप चाहें तो जो आपको चीज़ पसंद है वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा चेडर चीज़, पहले इसको साइड में से ऐसे मोड़ा फिर इसको रोल बनाया। यहाँ पे जो जगह बची है ये जो सैलरी बनाई थी इसको लगाएंगे और इसको पूरा, ये बन गया रोल। अब इसको हम अंडे में डिप करेंगे। और यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसको हम अच्छे से लगा लेंगे। और इसको ऐसे रखते जाएंगे, इसी तरह सारे बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने बन गए, इतने और बन जाएंगे। अभी हम थोड़े से फ्राई कर लेंगे और बाकी इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसको फ्राई करते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे, फिर ये निकाल लेंगे।
ये होंगे। इसी तरह सारे बना लेंगे जितने बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन चीज़ रोल तैयार बेकरी स्टाइल में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।